जिथे एक पासे पंजाब नूं उड़ता पंजाब वर्गियां फिल्मां बना पंजाब दे अक्स नूं ढा लाई गई सी ते नौजवानां नूं नशे विच धुत दिखाया गया सी। उते ही पंजाब दे मत्थे ते नशियां दे कलंक नूं हुण खेड मैडलां नाल धोया जा रहा है ते पंजाब दे कई नौजवानों ने खेडां विच पंजाब दा नाम विश्व पद्धर ते रोशन किया। पंजाब च मौजूद एशिया की सब तो वड्डी अनाज मंडी वजों जाने जाते खन्ना दे पिंड माजरी रसूलदा दा वासी गुरदीप सिंह इस कलंक नूं मैडलों की गर्मडाट नाल तोरिया, जिसने राष्ट्र मंडल खेडां च वेट लिफ्टिंग 109 प्लस वर्ग च कंसी का तगमा जित के सूबे का नहीं सगों देश का नाम रोशन किया। इस खिडारी ने अपनी भैन नाल मैडल जितने का वादा किया सी, जो उसने हुण उसकी झोली पा दिता। मैडल जितने तो बाद घर विच खुशी का माहौल छाया होया ते पिता भाग सिंह ने भावुक हो दसिया कि गुरदीप की कामयाबी पिछे उसकी बहुत वड्डी तपस्या। उसने 2009 तो इस खेड की शुरुआत की सी। अज उसने 109 प्लस वर्ग विच देश लई पहला तगमा जित के देश का नाम रोशन किया। गुरदीप की भैन ने दसिया कि भरा ने जाते समय मैडल लियाउण दा वादा किया सी, अज मैडल जित के तोहफा जरूर दे दिता ते जदों भरा वापस आवेगा तो इकट्ठे जश्न मनाउणगे। हमारा नाम भाग सिंह है जी, भाग सिंह BHA जी। गुरदीप सिंह आपके क्या लगते हैं? हमारा बेटा जी। तो जब आपको पता चला भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, हाँ जी हाँ जी, नाम रोशन किया, पहला रिएक्शन क्या था? रिएक्शन बहुत खुशी सी जी, कोई और कुछ पता ही नहीं सर चलता भी क्या बोलना है क्या करना है, खुशी इतनी होगी तो पता ही है। फिर जब घर का बच्चा मतलब पूरी करके आता है, मेहनत करके पूरी अपना मेडल लेके आया है तो बहुत ज़्यादा खुशी सी। उसको भी बहुत ज़्यादा था, मेरे को उसने फ़ोन किया उधर से, बोलता डैडी मैं अभी सोना, मैं पूरा थका, मैं कोई बात नहीं सुबह बात करेंगे। तो बहुत खुशी का माहौल सी। बहुत आपके बेटे ने देश का नाम रोशन किया है, कितनी मुबारकबाद मिली है? बहुत ज़्यादा मुबारकबाद मिली है जी, सभी हमारे गाँव वाले रिश्तेदार यार दोस्त अभी तक पूरा आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं। प्रदीप ने कितनी मेहनत की है इस मेडल के लिए? बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत हार्ड मेहनत की है जी। जैसे आप बोल दी थी अभी, एक बहुत हार्ड वर्कर है, वही सेम थिंग है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ये तकरीबन 2010 में, हाँ जी 2010 से गेम में लगा हुआ, जब से ही मतलब दिन पर रात इसने कोई नहीं देखा है, पीछे मुझे नहीं कुछ देखा, पढ़ाई भी साथ में किया है। चलो जो खेलने वाला बच्चा होता है पढ़ाई तो फिर उसी होती है, क्यों या गेमें होएगी या पढ़ाई होएगी, फिर तो तीन टाइम तो वर्जिश करना पड़ता था, फिर कोच भी पूरा खींचते हैं अभी पहले वर्जिश पहले ज़्यादा करो, स्कूल में भी टीचर भी फिर देखते हैं भी भाई तुम तेरा हाजिरी बहुत मिस हो रहा है। परिवार ने कैसे साथ दिया है? परिवार ने बहुत साथ दिया जी, जदों मतलब रात को भी कई बार बाहर दिल्ली खेलने गए हैं या किसी, और रात को 2 बजे भी आए हैं, 2 बजे भी हम लोग ताज़ा खाना बना के दूध ताज़ा सारा कुछ, कोई ये नहीं है भी खाना तेरा बड़ा बड़ा भी खा ला, नो पूरा तैयार करके देना, चाहे उसके साथ उसका कोई साथी भी आया जो जलंधर वाल के लड़के थे, वो भी कई बार रात को इधर ही उतरते थे कोई जाने के लिए, आगे साधन नहीं था, फिर दिन में जाते थे, रात को खाना खुना उनको बना के खड़ा के फिर सुकून आता था भी हाँ वो मेहनत करके आए हैं, अपना भी फर्ज बनता था, जितना मेहनत उसने किया उसका बराबर हम लोग का मेहनत। इस मेडल में सरकार का क्या योगदान रहा है, सरकार ने कैसे सपोर्ट किया है? सरकार ने देखो जी बहुत अच्छा किया है, ऐसी बात नहीं है, जो बाहर लेके जाने हैं बच्चे जो क्वालिफाई होते हैं उनको ही लेके जाते हैं, वो हर एक को वो तो लेके नहीं जाते, पर इधर में जैसे हम कैंप में हैं, डैट का बहुत गवर्नमेंट ख्याल रखती है, कोच बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, बाहर जो लॉकडाउन था बाहर नहीं आने देते थे, कोई घर में भी नहीं आने दिया उतना देर, एक साल तो उधर रहे हैं, तो हम लोग मैं एक बार बीच में मिलने गया, वो भी मतलब वो गेट के दूसरी साइड था, मैं दूसरी साइड था, दूर से जो बात कर लिया अपना एक दूसरे का चेहरा देख लिया उतने में, चलो ठीक है मजबूरी था। अब तो सरकार साथ दे रही है, जैसे ट्रेनिंग के वक्त इनको जो आपका खर्च होता था क्या? नहीं वो खर्च जो पहले कैंप से पहले था वो खर्चा हम लोग का खुद था, वो फिर प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा महंगे थे,
और बहुत खिलाड़ियों को मीट, मुर्गा, मच्छी, दूध, मक्खन, दही बहुत कुछ देना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, मौसम भी देखना, भी इसको इस मौसम में क्या चीज़ देना क्या नहीं देना, वो मेरे को शौक था बहुत ज़्यादा। कि जब बच्चा पूरा अपने आप को स्ट्रॉन्ग का, अपना मन भी फिर बहुत खुश रहता है, करते रहे। गुरदीप के आने पे सेलिब्रेशन कैसे? पूरा खुशी का माहौल है जी, उसका नानका परिवार तो बोलते हैं भाई हम लोग शाम को ढोल ढपका से आएंगे, वहाँ जो भाई कोई बात नहीं, कल देखो आएगा जो इधर आएगा, फिर उधर से खन्ना से ट्रैक्टर से लेके आएंगे बैठा के, हम लोग को जिमीदारों को तो वही हेलीकॉप्टर है। और गुरदीप सिंह आपके क्या लगते हैं? मेरे ब्रदर लगते हैं। जब आपको पता चला उन्हें ब्राउन मेडल मिला है तो कैसा महसूस हो रहा? मतलब हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जब भी हम रात भी देख रहे थे मैच, इसमें तो हमें लाइव दिखाई नहीं दे रहा था, तो हमने यूट्यूब में लाइव स्ट्रीमिंग की, तो उस पर हमें रैंकिंग, स्कोर रैंकिंग दिख रही थी कि अब वो क्या उठा रहे हैं, अब कौन से प्लेयर की टर्न आ रही है, तभी हमें पता चला उसी पे। तो कितनी मेहनत की है उन्होंने इस मुकाम तक पहुँचने? मेन तो देखो बहुत की है उसने, शुरुआत से ही, जब भी वो 10th में था तब से ही स्टार्टिंग है उसकी प्लेयर की, उसने तभी से गेम स्टार्ट कर ली थी। तो कोचिंग कहाँ पे लेते थे वो? जब वो 10th में स्टार्ट की थी गेम, तभी तो वो कोचिंग कर रहे थे खन्ना में ही लोकल। हाँ जी, उसके बाद वो NIS में कैंप में, पटियाला है, पटियाला में है NIS कैंप, वहाँ पे सिलेक्शन हुई तो वो वहाँ पे चले गए थे इंस्टीट्यूट में। तो उन्होंने स्टार्ट कर की थी वेट लिफ्टिंग? वेट लिफ्टिंग की शुरुआत उन्होंने 2010 में की थी। उसके बाद जॉब उन्हें जो रेलवे में, वो ऑफिसर की, उनकी प्रोफेसर की जॉब है रेलवे, वो सीनियर कुछ इन्फेक्शन की जॉब कर रहे हैं, उनमें वो, उनको जॉब मिली थी 2015 में। तो कैसा उन्हें सपोर्ट किसकी मिली है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसकी मिली है? सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो डैडी ने की है, उनकी फुल सपोर्ट थी, फैमिली, उनके कोच, सभी की सपोर्ट थी, फ्रेंड्स सारे कुछ, सब ने उसको फुल सपोर्ट की थी, उनकी डाइट की पूरी ध्यान रखा था पेरेंट्स ने, उनके कोच ने, सभी ने। तो कहाँ कहाँ पहले वो खेल के आए हैं? पहले वो नेशनल खेले हैं, स्टेट लेवल पे खेले हैं, उसके बाद वो 2018 में कॉमनवेल्थ के लिए भी सिलेक्शन हुए थे, पर इंजरी के कारण उनके सिलेक्शन में 4th रैंक रह गया था उनका। तो अब जो है मुबारकबाद देने वाले पे कितने कितने लाइनें लगी हैं, ये कैसे है? बहुत ज़्यादा, हमें कंटिन्यूसली कॉल आ रहे हैं, और हमें हमें रात जो भी रात पता चला था इसके बारे में जो के ब्रॉन्ज मेडल आ गया है, ब्रॉन्ज भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत बड़ी बात है क्योंकि खन्ना ही नहीं, पंजाब ही नहीं, पूरे इंडिया का नाम रोशन किया है। तो फैमिली कैसे सेलिब्रेट करने जा रही है इस चीज़ को? फैमिली तो हमारी तो कोई खुशी का ठिकाने नहीं, उसके बाद हम थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा सा हमें भी रिलैक्सेशन चाहिए, हम तो रात से सोए भी नहीं हैं, अभी हम खाना खाएंगे, सुबह का अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं हमारा हुआ है, अभी लंच का टाइम भी हो गया है, उसके बाद हम केक कटिंग भी करेंगे और शाम को हम डांस पार्टी भी करेंगे। तो आपकी उनसे बात हुई होगी गुरदीप की वहाँ से, तो उन्होंने अपना क्या एक्सपीरियंस शेयर किया? हाँ जी, हमारी उसी टाइम बात हुई थी वीडियो कॉल पे, आज सुबह भी कॉल हुई थी उनकी, और वह बता रहे हैं कि वो जल्दी आएंगे, कल को उनकी फ्लाइट है, जल्दी आके उनके साथ भी सेलिब्रेट करेंगे हम। उन्होंने बताया उनका कंपटीशन कितना टफ था या कैसे? हाँ जी, कंपटीशन तो उन्होंने बताया कि बहुत टफ था, उन्हें वैसे था कि नेक्स्ट कोई बात नहीं, अगली बार जब भी होगा कॉमनवेल्थ तो गोल्ड पे वो जरूर हम प्रे करेंगे कि वो गोल्ड लेके आए। आपका भाई यूथ के लिए एक रोल मॉडल बन रहा है, देश का नाम रोशन कर रहा है, तो कैसा महसूस हो रहा है? हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है, सभी को बहुत प्राउड फील हो रहा है, हमारे पंजाब का नाम रोशन किया है खन्ने का स्पेशली, क्योंकि हाँ जी। तो यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो सबसे पहले तो जो गेम्स की तरफ, जो भी आज की जनरेशन है स्पोर्ट्स की, वो गेम्स की तरफ जाएं, क्योंकि आपको भी पता है जो ड्रग्स काफ़ी चल रहे हैं, तो यही मैसेज है कि स्पोर्ट्स की तरफ, थोड़ी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि स्पोर्ट्स की तरफ स्टूडेंट्स को, जनरेशन को ज़्यादा करें।